नोएडा से बागेश्वर की तरफ आ रही एक कार पौड़ी बैंड के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कार में सवार 5 लोगों को मामूली चोट आई है। तहसीलदार दीपिका आर्य के नेतृत्व में फायर सर्विस तथा पुलिस के जवानों ने मौका मुआयना किया है। प्रभारी FSO गणेश चंद्र ने बताया कि नोएडा से बागेश्वर आ रही स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पौड़ी बैंड के समीप सड़क से नीचे उतर गई। कार में सवार राजेंद्र सिंह, सुमित, ममता जोशी, चंपा देवी तथा मीनाक्षी जोशी को मामूली चोट आई है। पुलिस ने बताया कि कार सवार यात्रियों को घटनास्थल से ही घर भेज दिया गया है। रेस्क्यू की सूचना प्राप्त हुई, फायर सर्विस यूनिट शीघ्र घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई। पहुंचकर देखा कि एक स्विफ्ट कार संख्या DL3CK8173 पौड़ी बैंड से नीचे अनियंत्रित होकर लगभग 2 मीटर नीचे चली गई थी, जो ग्रेटर नोएडा से बागेश्वर की ओर आ रही थी, जिसमें चालक राजेंद्र सिंह रावत सहित 5 व्यक्ति सवार थे। सभी लोग सकुशल रोड किनारे खड़े थे। सभी सवार व्यक्तियों के उनके परिजन अपने निजी वाहन से अपने साथ ले गए। मौके पर श्रीमान तहसीलदार महोदय, SI महोदय बागेश्वर एवं उप निरीक्षक महोदय एवं स्थानीय लोग मौजूद थे। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।